नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वैच्छिक दुनिया के 15 जुलाई 2020 को आने वाले अंक के लिए एक शीर्षक जो आपके समक्ष लेकर आया हूं, उसका नाम है नज़ीर। प्रत्येक क्षेत्र में नज़ीर यानी मिसाल प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, यही आज की समस्या भी है, आज का शीर्षक भी है और आज की आवश्यकता भी है। आप देख रहे होंगे कि रोज़ नई नज़ीर पेश हो रही है, चाहे कानून के द्वारा संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता हो, चाहे हमारे बच्चों के द्वारा संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता हो, चाहे आपको शिक्षा क्षेत्र में नज़ीर मिल रही हो, चाहे आपको प्रशासनिक क्षेत्र में नज़ीर मिल रही हो, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ऐसी तमाम मिसालें हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं जिससे हमारे जीने का तरीका, हमारे सोच का ढंग बदल रहा है। हम पढ़ कुछ और रहे हैं और क्रियान्वयन कुछ और कर रहे हैं। सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर ऐसी परिस्थितियों पर लगातार अपनी निगाह रखता है और अभी जो हाल की नज़ीर है वो आपने देखा कि विकास दुबे, जो कि एक दुर्दांत आतंकवादी घोषित हुआ और जिसका आज सवेरे ही इनकाउंटर किया गया। नज़ीर इस बात की पेश करनी है कि जिससे अपराधियों में भय हो, कानून का डर हो, परंतु संवैधानिक दायरे में, लेखक आप हैं, सुधी जन प्रबुद्ध जन भी आप हैं, इसलिए सही है या गलत है इसे एक नज़ीर के तौर पर भविष्य में लेने की आवश्यकता है या इससे कुछ सीखने की आवश्यकता है, कुछ बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, ये किस तरह की नज़ीर है ये मुझे आपकी लघु कथाओं से पता चलने वाला है, जिसका आमंत्रण मैंने आपको अभी भी दिया है। मित्रों, मेरे इस विचार से ऐसे काम किए जाने चाहिए, ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जानी चाहिए जो देश की जनता के लिए हो, देश के कानून के लिए हो, पूर्ववर्ती लिए गए तमाम फैसलों के लिए हो, अपराधियों के लिए हो, प्रशासन के लिए हो। हर क्षेत्र में नज़ीर प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम जल्दबाजी में, यदि हम इमोशन में, संवेदना में किसी काम को करेंगे, यदि हम संवेदनात्मक पहलू को दृष्टिगत कर कोई मिसाल प्रस्तुत करेंगे तो वो आगे के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे संविधान के लिए अच्छा नहीं होगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आगामी अंक के लिए आप ऐसे ही कोई संस्मरण, ऐसे ही कोई कहानी, ऐसे ही कोई पात्र जो कि आपकी कल्पनाओं में हो, आपकी रचना धर्मिता में हो, बुनिए और ऐसी कहानी जो समाज में मिसाल प्रस्तुत करे, समाज को आंखें खोलने पर मजबूर कर दे, ऐसी लघु कथा हमें फटाफट लिख भेजिए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं और ध्यान रखें कि आपकी लघु कथा 500 शब्दों से अधिक की ना हो, जैसा मैंने हमेशा कह के रखा हुआ है। इस सप्ताह हमारी स्वच्छी दुनिया की अतिथि संपादक कोई और नहीं बल्कि जानी मानी लेखिका एवं कवियत्री श्रीमती सरिता सिंह नेपाली जी हैं, जो पश्चिमी चंपारण से हैं और मेरी मदद करेंगी अच्छी रचनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में। यदि आप हमसे सहमत हों तो कृपया हमारे YouTube चैनल और Facebook को लाइक करें, कमेंट करें और यथासंभव शेयर भी करें। साथ ही मित्रों, आपसे यह भी निवेदन है कि हमें भेजी गई आपकी जो कथा हो वो कम से कम एक माह तक कहीं अन्यत्र प्रकाशन हेतु ना भेजें, क्योंकि अप्रकाशित रचनाओं को सम्मान की श्रेणी में लाना हमारा मकसद है। जो रचनाएं पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं उनको प्रकाशित किया जाना तो हमारा धर्म है, हमारी इच्छा है, उनको प्रकाशित करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं, परंतु एक ही रचना को कई जगह सम्मान करना, कई जगह सम्मान मिलना, यह हमारी प्राथमिकता में नहीं। दूसरी बात, यथासंभव आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन की वार्षिक सदस्यता ग्रहण कर हमें आर्थिक संबल भी प्रदान करें, क्योंकि कोई भी संस्था
बिना वित्तीय प्रबंधन के, बिना वित्तीय व्यवस्था के आगे नहीं बढ़ सकती है।